बुलाया है तो ऐसे 51 कार्यकर्ता अपेक्षित है और प्रांत स्तर पर कार्य करने वाले शारीरिक बौद्धिक व्यवस्था प्रचार संपर्क सेवा प्रमुख तो 540 ऐसे कार्यकर्ता अपेक्षित हैं कि 300 विभाग प्रचारक अपेक्षित हैं। 2020 में जो प्रतिनिधि सभा जो हमारी होने वाली लेकिन नहीं हुई, उस बीच में कोरोना में शाखाएं बंद थी वगैरह और फिर से आरंभ हुआ। ये आनंद की बात है कि 2 वर्षों में कोरोना के संकट से जूझते हुए उसमें सारा सेवा कार्य करते हुए भी मार्च 2020 की तुलना में अभी 98.6 प्लेसेस में संघ कार्य फिर से आरंभ हुआ है। बाकी आपके पास जो वृत्त मिलेगा उसमें इसके सारे सारे आंकड़े होंगे। करीब 60,000 शाखाएं चल रही है तो 2020 की तुलना में 97.5% शाखाएं फिर से शुरू हुई है। साप्ताहिक मिलन संख्या बढ़ी है और एक मासिक मिलन होता है उसको संघ मंडली कहते हैं। ऐसे 91% स्थानों पर संघ मंडली भी आरंभ हुई है। करीब 60,000 जो शाखाएं दैनिक चलती है इसमें 61% शाखाएं ये छात्रों की है, स्कूल विद्यार्थी कॉलेज छात्रों की है। और जो व्यवसाय कमाने वाले कार्यकर्ता होते हैं ऐसी उन लोगों की शाखा 39% है। यानी युवाओं की संख्या शाखा में लगातार बढ़ रही है, यह ध्यान में आता है। संघ कार्य का जो स्प्रेड है, स्प्रेड में भी डेवलपमेंट ब्लॉक को या तहसील कहेंगे उसको, इसे यहाँ पर खंड नाम दिया है। ऐसे देश भर में कुल 6,556 खंड है, इसमें से 84% खंड शाखा युक्त प्रत्यक्ष शाखा है, वहाँ पर चल रही है। करीब 59,000 मंडल, 10-12 गांव का एक समूह उसको मंडल कहते हैं, तो 59,000 मंडलों में से 41% मंडलों तक संघ का प्रत्यक्ष शाखा के रूप में संघ कार्य बढ़ा है और 19% मंडलों में प्रत्यक्ष संपर्क है, साप्ताहिक मासिक संपर्क है। जो नगरीय क्षेत्र ऐसे करीब 2,303 नगरीय क्षेत्र में से 94% नगरों में प्रत्यक्ष शाखाएं चल रही है, यानी शाखाओं की संख्या बढ़ रही है, उसका स्प्रेड भी लगातार बढ़ रहा है। आने वाले 2 वर्षों में सभी मंडलों में संघ शाखा हो, इस प्रकार का एक संघ का मुख्यतः प्रयास रहेगा। संघ 100 वर्ष पूर्ण करने वाले उसके पहले संघ कार्य का विस्तार पूर्ण करना था, इस कोरोना के कारण थोड़ा उसमें रोक लगी है, लेकिन अब फिर से सभी कार्यकर्ता ने कटिबद्ध होकर आने वाले 2 वर्षों में सभी मंडलों तक संघ कार्य शाखा के रूप में पहुंचाने का संकल्प उस प्रकार योजना बन रही है। एक 20 से 35 एज ग्रुप के युवा जो संघ से जुड़ना चाहते लेकिन कहाँ मिलना, किसको मिलना पता नहीं होता है, तो ऐसे लोग ज्वाइन RSS संघ की वेबसाइट पर जो प्रावधान है वहाँ जाते हैं, वहाँ पर अपनी जानकारी भरते हैं। इसमें लगातार किस प्रकार की संख्या आ रही है तो 2017 से 2021 तक इस 5 वर्षों में प्रतिवर्ष
एक लाख से सवा लाख युवा संघ से जुड़ने की इच्छा व्यक्त कर रहे हैं। जो डायरेक्ट शाखा के माध्यम से जुड़ते वो तो अलग है, ये संघ शाखा का संपर्क प्रत्यक्ष नहीं, लेकिन संघ से जुड़ना चाहते ऐसे लोगों की जो रिक्वेस्ट है एक से सवा लाख प्रतिवर्ष आ रही है। अभी गर्मी के दिनों में मुख्यतः संघ शिक्षा वर्ग होंगे, ये भी दो वर्षों के बाद ही हो रहे हैं। तो प्रथम वर्ष का 20 डेज का ट्रेनिंग कैंप होता है, अपने स्वयं के खर्चे से शुल्क देकर वहां पर स्वयंसेवक 20 दिन रहते हैं। तो इस वर्ष ऐसे जो प्रथम वर्ष के 68 कैंप्स लगने वाले, ये 40 साल से कम आयु वालों के लिए है और 40 से ऊपर के लोगों के लिए विशेष वर्ग कहते हैं, ऐसे 20 वर्ग होने वाले हैं सारे देश भर में। द्वितीय वर्ष का वर्ग भी 15 स्थानों पर होगा और तृतीय वर्ष का एक वर्ग जो नागपुर में होता है। सारे वर्ग 15 अप्रैल से जुलाई के मध्य तक चलते हैं। जैसे मानसून आगे बढ़ता है उस प्रकार से दक्षिण के वर्ग सबसे पहले आरंभ होते हैं और पंजाब वगैरह के वर्ग बाद में शुरू होते हैं। प्रत्येक वर्ग में इस बार कुल 104 वर्ग होने वाले हैं, तो प्रत्येक वर्ग में एवरेज 300 संख्या रहेगी। संख्या भी कम रखकर ये वर्ग यहाँ करने का हमारा प्रयास है। बाकी कोरोना के कालखंड में संघ स्वयंसेवकों ने खूब अच्छी मात्रा में लोगों की सेवा की है, काम किया है और ये भारत की विशेषता ही है। दुनिया भर में कोरोना का संकट था, परंतु भारत के बाहर किसी भी देश में समाज का इतनी सक्रियता कहीं भी नहीं देखी। भारत के बाहर सभी देशों में इट वॉज ओनली द स्टेट मशीनरी दैट वॉज एक्टिव टू सर्व एंड सेव पीपल। भारत यह एकमात्र देश ऐसा है कि जहाँ सरकारी तंत्र ने खूब अच्छा काम तो किया ही है, परंतु बहुत बड़ी मात्रा में लोग भी बाहर निकले हैं। सरकारी तंत्र का काम करना उनके ड्यूटी का भाग है, उनको सैलरी मिलती है, उन्होंने काम करना तो महत्व का है ही, और बाढ़ या भूकंप के बाद जाकर सेवा करना अलग है। परंतु ऐसे इन्फेक्शस पैंडेमिक में मुझे इन्फेक्शन होने की संभावना है यह जानते हुए, जान को खतरा यह जानते हुए भी केवल स्वयंसेवक नहीं तो समाज का बहुत बड़ा वर्ग बाहर निकलकर सेवा का में लग गया था। पहले पैंडेमिक में ही करीब 5.5 लाख संघ स्वयंसेवक पहले दिन से लगातार सेवा कर रहे थे। ये जो भारत की विशेषता, क्योंकि भारत में एक समाज का राष्ट्र के नाते स्वतंत्र इकाई है, राज्य की व्यवस्था अलग है और समाज के राष्ट्र के नाते अपनी व्यवस्था होती है, तो इस राष्ट्र के जीवंत होने का यह लक्षण है। और ऐसे जानलेवा ऐसे पैंडेमिक में भी बहुत बड़ी मात्रा में केवल स्वयंसेवक नहीं, अनेक साधु संत, मठ मंदिर, गुरुद्वारा, अनेक सामाजिक संस्था के लोग बाहर आकर उन्होंने सेवा की है। ये विशेष महत्व की बात है। बाकी प्रतिवेदन की कॉपी आपको मिलेगी, तो वर्तमान परिदृश्य के बारे में जानकारी उसमें है ही। और आगे सरकारी व आखिरी दिन पत्रकार वार्ता करने वाले हैं। संघ के सरकार केवल 2 बार पत्रकार वार्ता करते हैं और इसलिए आपको अच्छा मौका मिलेगा। इसलिए बैठक के सिवाय बहुत सारे प्रश्न आपके मन में होंगे, तो प्लीज रिजर्व देम फॉर द सरकार टू रिप्लाई, ठीक है। ये केवल बैठक के बारे में मुझे जानकारी देने का काम दिया था, उतना मैंने दिया है। और आने वाले वर्षों में संघ कार्य विस्तार के लिए संघ स्वयंसेवक ज्यादा समय दे संघ कार्य के लिए, यह एक आह्वान करता हुआ मैं मेरी बात को पूर्ण करता हूँ। यहाँ पर उसकी सारी योजना बनेगी, समय देने वाले कार्यकर्ता कहाँ समय देंगे, क्या करेंगे। साथ साथ एक समाज परिवर्तन के क्षेत्र में स्वयंसेवक बड़ी मात्रा में काम कर रहे हैं, उसमें एक सामाजिक समरसता का क्षेत्र है। तो जातिगत विभेद जो उस नीच भाव निर्माण होकर समाज को बांटने का काम हो रहा है, तो सारा समाज हम एक है, हम सब एक भारत माता के पुत्र है। जो समरसता का भाव जगाकर सबको साथ लेना, इस समरसता क्षेत्र में स्वयंसेवक काम कर रहे हैं। एक कुटुंब प्रबोधन, क्योंकि आजकल परिवार में सब लोग साथ मिलकर अपनी परंपरा, अपने ट्रेडिशंस, अपने पुरखों के बारे में, देश समाज के बारे में बात करने का समय कम मिलता है,
इसके बारे में सप्ताह में एक बार एकत्र मिलकर कुछ न कुछ कुछ गतिविधि, कुछ स्तोत्र पाठ या कुछ सामाजिक विषय पर चर्चा ऐसा होना चाहिए। ऐसा कुटुंब प्रवर्तन चल रहा है। भारतीय देशी नस्ल की गाय के दूध का जो वैज्ञानिक महत्व है उसको ध्यान में रखकर गौ संवर्धन का एक कार्य चल रहा है। ऑर्गेनिक फार्मिंग के दृष्टि से भी कार्यकर्ता आगे बढ़ रहे हैं। गांव के सब लोगों ने साथ मिलकर राज्य सरकार पर अवलंबित न होकर सरकारी योजनाओं का उपयोग करते, परंतु गांव ने ही आगे आकर गांव का विकास करना चाहिए। इसलिए ग्रामीण विकास का भी कार्य काफी अच्छी मात्रा में चल रहा है। इस प्रकार के अनेक क्षेत्रों में जहाँ पर स्वयंसेवक समाज को साथ लेकर इसमें जो आगे बढ़ रहे हैं, और समाज का बहुत बड़ा वर्ग भी सीधा संघ से शायद नहीं जुड़ेगा, परंतु ऐसे गतिविधि के माध्यम से ऐसे समाज परिवर्तन कार्य में काफी मात्रा में सक्रिय हो रहा है, ऐसा हमारा अनुभव है। बैठक के बारे में कुछ पूछा आपके मन में होगी तो आप प्रश्न पूछ सकते हैं। देश के किस प्रांत में सबसे अधिक शाखाएं हैं और स्टेट वाइज आप थोड़ा बता सकेंगे 60,000 शाखाओं का? स्टेट वाइज तो अभी एकदम नहीं कह सकेंगे, किन केरल में, कर्नाटक में संख्या अच्छी है, और फिर मध्य प्रदेश में संख्या अच्छी है, राजस्थान में अच्छी है। स्टेट वाइज तो नहीं है, लेकिन इन प्रांतों में काफी अच्छा काम है। और दूसरा, प्रतिवर्ष 1,00,000 लोग संघ से जुड़ने की इच्छा जता रहे हैं, पंजीकरण कर रहे हैं अपना, तो उसका भी थोड़ा फीडबैक, भाई कौन सा स्टेट के यूथ ज्यादा मोटिवेट हो रहे हैं आरएसएस से और आ रहे हैं? तो अलग अलग होते हैं। अभी लास्ट ईयर में भाई एक चीज है कि नॉर्थ इंडिया, साउथ इंडिया, नॉर्थ ईस्ट, सभी से मोटा मोटा आइडिया है, सभी से। अभी लास्ट ईयर में देखा जाए तो मालवा प्रांत यानी मध्य भारत में, बंगाल में संख्या ज्यादा है, लेकिन प्रतिवर्ष बदलती है वो। गुजरात को लेकर के लगी है क्या? हाँ, देखा आपने? प्रदर्शनी लगी थी। लगी थी या लगी है? लगी थी शायद से, मैं देख लीजिए एक बार। लेकिन उसमें गुजरात की छवि को भी दिखाया गया है, गुजरात का योगदान को दिखाया गया है, क्या क्या चीजें उसमें और दिखाने का प्रयास है, मतलब क्या बातें रखने का प्रयास है उसमें? गुजरात में सारे देश भर के कार्यकर्ता पहली बार आ रहे हैं, वैसे देखा जाए तो गुजरात की विशेषता क्या है? गुजरात की कला है, महापुरुष है, स्वतंत्रता आंदोलन में संघ का सहभाग है, संघ का कार्य जिन लोगों ने यहाँ पर किया है विशेष, तो ऐसे कार्यकर्ता की जानकारी इसमें है, देख लीजिए बाद में समय मिलेगा ही। सर, समाज का सबसे बड़ा काम कर रहा है आरएसएस, लेकिन कई बार समाज में ऐसी घटनाएं होती है कि संघ की प्रतिक्रिया जानना चाहता है समाज, तब प्रतिक्रिया नहीं मिल पाती है, तो उस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है? तो प्रश्न अंतिम दिन के लिए रखिए आप, ये सरकार उत्तर देंगे उसका, ठीक है? चलिए, धन्यवाद आप सबको। धन्यवाद। जैसे सहसर कार्यवाह जी ने बताया, 13 तारीख को माननीय सर कार्यवाह जी श्री दत्तात्रेय होसबली जी की प्रेस कॉन्फ्रेंस इसी स्थान पर दोपहर को 12:30 बजे रहेगी। हम आपको इनविटेशन भी भेजेंगे और सूचित भी करेंगे। सभी के लिए यहाँ जलपान की व्यवस्था है, प्रश्नोत्तर भी रहेगा उसमें। हाँ बिल्कुल, पत्रकार वार्ता है, तो आप उसमें जो 3 दिन की अखिल भारतीय बैठक हुई है उसमें क्या क्या निर्णय लिए जा रहे वाले हैं उसके बारे में वो सविस्तर बताएंगे और आप उनको प्रश्न पूछ सकेंगे। धन्यवाद।